निशाना साधा है और केजरीवाल को बधाई दी है। दरअसल एग्जिट पोल में केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को हर सर्वे में बहुमत दिखाया गया, इसी आधार पर अखिलेश यादव ने बधाई दी है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि भारतीय जनता पार्टी का रास्ता तो है ऐसा जो हिंदू मुसलमान के बीच में नफरत फैलाता है, लेकिन पता नहीं कांग्रेस क्यों भारतीय जनता पार्टी के रास्ते में जा रही है। ये कांग्रेस के लोगों को क्यों ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के रास्ते से ही उनका भला हो सकता है? कि दिल्ली की जनता ने नफरत को हरा दिया, दिल्ली की जनता ने हिंदू मुसलमान का जो झगड़ा कराते थे वो हरा दिया। यही सरकार है जिसने कहा कि कब्रिस्तान और शमशान, दिवाली और रमजान, तो कम से कम दिल्ली में हार गए हैं, इसके बाद सुधरेंगे। हालांकि अभी एग्जिट पोल आया है, एग्जिट पोल के परिणाम में आम आदमी पार्टी को बहुमत दिख रहा है, लेकिन अखिलेश यादव ये मान के चल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और दूसरे दल हार गए हैं। ये अखिलेश यादव ने जल्दबाजी में कमेंट कर दिया। पूर्व मुख्यमंत्री हैं, 11 तारीख का इंतजार जरूर करना चाहिए था। दूसरी तरफ ये राजनीति है, यहाँ पर आप क्या करते हैं ये बहुत कम मायने रखता है, लेकिन दूसरे क्या करते हैं ये ज्यादा मायने रखता है। शायद अखिलेश यादव इसी रास्ते पर चल रहे हैं, इसीलिए उन्होंने कांग्रेस को नसीहत दी कि वो भारतीय जनता पार्टी के दिखाए रास्ते पर न चले। दरअसल आज प्रियंका गांधी वाड्रा बनारस पहुंची थी, वहां पर रविदास जयंती पर उन्होंने मत्था टेका और लंगर खाई, जिसके बाद अखिलेश यादव ने ये कमेंट किया। और ये दो तस्वीरें देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव एक लोकप्रिय नेता है। इन तस्वीरों को देखने के बाद आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं अखिलेश यादव जिस भी इलाके पहुंचे, जिस भी जिले पहुंचते हैं, उनका स्वागत करने के लिए युवा पलक पावड़े बिछाए रहते हैं। हमीरपुर में नागरिकता कानून के समर्थन में आयोजित रैली में भारतीय जनता पार्टी